नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं भावना शर्मा। आज 18 फरवरी है, संडे का दिन है। बात करें राहु काल की तो 4:15 बजे से लेकर 5:30 बजे शाम तक का समय राहु काल का रहेगा। शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। पहली राशि मेष राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ वांड्स। रिश्तों के प्रति आज लापरवाह बिल्कुल भी मत होइएगा, नहीं तो उसमें आपको टकराव की स्थिति भी बनेगी, साथ ही में रिश्ता टूटने की कगार तक भी पहुंच सकता है। कोशिश करें उसके प्रति आप थोड़ा सा सचेत रहें, वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करेंगे? आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे, आपके रिश्तों में सुधार होगा, साथ ही में जीवन में भी आपके आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं टॉरेंस की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। दूसरे लोगों की वजह से आज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए आने वाले समय में सिचुएशंस थोड़ी सी टैंजिबल हो सकती हैं। साथ ही में आज किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ रहना, उसके साथ ही अपनी कोई बातचीत करना बेहतर रहेगा, नहीं तो अपनी पर्सनल बातें किसी ऐसे पर्सन से डिस्क्लोज मत कीजिए जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। उपाय क्या करेंगे? सुबह उठ करके आज के दिन में सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए कार्ड निकल रहा है 10 ऑफ कप्स। ज़्यादा से ज़्यादा समय आज अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, करें भी क्यों ना, क्योंकि आज संडे का दिन है। लेकिन उसके अलावा भी आज आपके बिजनेस मैटर्स को लेकर चीज़ें थोड़ी सी अटक सकती हैं। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा फैसला अगर अभी चल रहा था या वो ऑन द प्रोसेस था तो वो बीच में अटक सकता है। कोशिश करें कि आज के दिन में शाम का समय जो है उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें। साथ ही में जैसे मैंने कहा, फैमिली के साथ ज़्यादा समय जो है व्यतीत करेंगे। शाम के समय कहीं आउटिंग पर, कहीं गेट टुगेदर्स में जाने का प्लान बन सकता है। उपाय क्या करेंगे? आज दोपहर के समय 40 से 50 समय वर्ष तक के व्यक्ति को आपको दान देना है गुड़ का। जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा है। कार्ड निकलता है 2 ऑफ वांड्स। एक कार्ड ये कह रहा है आज किसी के साथ जुड़ करके कोई काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। पर्सनल लाइफ में आपकी नई कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं तो आपको हो सकता है कमिटमेंट करनी पड़ जाए या फिर आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। साथ ही में अगर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। उपाय क्या करेंगे? आज सुबह उठ करके सूर्य को जल देंगे गुड़ और रोली के साथ। बात कर लेते हैं लियोस की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए द स्ट्रेंथ। आज मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है किसी भी काम को पाने के लिए या फिर किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो जितनी मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लव लाइफ लेकिन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर्स के साथ एक कंपैटिबिलिटी बढ़ती नज़र आ रही है, आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उपाय क्या करना है? आज लाल रंग का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जान लेते हैं वर्गोस के लिए दिन कैसा है। कार्ड निकलता है 3 ऑफ पेंटाकल्स। पैसे से जुड़ी हुई मदद आज आपको मिल सकती है। एक अनहेल्दी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, यानी कि पार्टनर्स के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति से बचना है। और जो लोग यात्रा के लिए सोच रहे थे, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए सोच रहे थे, उन लोगों के लिए वीज़ाज जो है उसका प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? आज सुबह उठ करके सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ है। जल जब नीचे गिरेगा तो उससे तिलक लेकर के पानी का अपने माथे पर ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो बढ़ेंगी। लीब्रंस के बारे में बात कर लेते हैं। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स। रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ रही है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है। एक तरीके का फियर है, एक डर है आपके दिमाग में, उसे बाहर निकाल दीजिए। दूसरों की सराहना करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। कोशिश करें कि जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी जो सपोर्ट, जो मदद आपको मिल रही है उसके लिए आप मना नहीं करेंगे। उपाय क्या करेंगे? आज माँ लक्ष्मी की उपासना करना बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही में व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं आज। स्कॉर्पियंस की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो 9 ऑफ पेंटाकल्स आपसे ये कह रहा है आज के दिन में पैसे से जुड़ा हुआ लेन देन बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। साथ ही में अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने का समय है। जो टारगेट आपने सेट किए हुए हैं उसे अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए, आगे की तरफ बढ़िए। किसी की बात, ऐसे इंसान की बात सुनना अच्छा नहीं है जो कि आपको नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? आज शाम के समय किसी भी मंदिर में जाकर के आपको लाल रंग के वस्त्र दान करने हैं। जान लेते हैं सैजिटेरियंस के लिए दिन कैसा है। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 10 ऑफ वांड्स। आज के दिन में फैमिली के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा है। कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य, उसका आयोजन में आप व्यस्त हो सकते हैं। नई बिगिनिंग्स और नया स्टार्ट भी नज़र आ रहा है आपके कारोबार से जुड़ा हुआ। उपाय क्या करेंगे? आज सुबह उठ करके सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, खासतौर पर सूर्य की उपासना के लिए। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आज आपकी जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। साथ ही में एक सही डिसीजन लेने का समय बहुत ही अच्छा है। कोशिश करें
जो भी डिसीजन लीजिए आपके पेरेंट्स की सलाह उसमें ज़रूर लीजिए। उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में गुड़ का दान देना किसी मंदिर में बहुत ही शुभ रहेगा। एक्वेरियंस के बारे में बात कर लेते हैं, कार्ड निकलता है द चैरियट। विरोधी आज आप पर हावी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका काम भी बिगड़ सकता है, उन लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतनी है आपको। साथ में अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स के हिसाब से ही आप कार्य करेंगे तो बेहतर होगा, किसी दूसरे के कहने पर कोई कार्य नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, माँ लक्ष्मी की उपासना करना बहुत ही शुभ है आज के दिन में, और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, ऐसा करने से नौकरी में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। पाइसेंस के बारे में जान लेते हैं, कार्ड निकलता है टू ऑफ पेंटाकल्स। पार्टनरशिप में किया गया कोई भी काम आपके लिए लाभदायक रहेगा, साथ ही में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करेंगे, लेकिन आज मान सम्मान आपके लिए बढ़ेगा भी, राज्य के पक्ष से आज आपको लाभ हो सकता है। उपाय क्या करना है, आज गुड़ का दान देना बहुत ही अच्छा है, साथ ही में तांबे के पात्र का दान देना भी आज के दिन में बहुत ही शुभ रहेगा। तो ये तो बात हुई राशियों की, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए एस्ट्रो।